One of the legends. One of the legends of this area. Over the wicket, Aisha Zad, umpire ko cross kiya, gend ki inside edge hui aur niche lagi. Bump thi aur save rahenge. एक अच्छा स्टार्ट दे दिया शहजाद ने अपनी टीम को. वंस अगेन शहजाद आई अंपायर को क्रॉस किया गेंद की. ओ क्वालिटी शॉट, दैट इज वंडरफुल स्ट्रोक फॉर सिक्स रन्स. टीम भाई आज शहजाद वर्सेस काशी मुकाबला एक बेहतरीन मुकाबला हो सकता है. शहजाद अच्छे बॉलर हैं और काशी अच्छे बैट्समैन. अगली बॉल करेंगे शहजाद और इसे खेल दिया लेग साइड की तरफ 6 रन के लिए. टू कंसेक्यूटिव सिक्सेस फ्रॉम काशी. काशी आज बड़े मुकाबले में, आज लगता है कि उनका मूड आज ऑन है. एंड जब काशी का मूड ऑन होता है तो फिर ऐसे ही शॉट्स देखने को मिलते हैं. वंस अगेन शहजाद आए अंपायर को क्रॉस किया गेंद की. ओ गुड डिलीवरी, दैट इज स्मार्ट थिंकिंग फ्रॉम शहजाद. वेरिएशन ट्राई की और पेस प्रोवाइड नहीं की. उन द बॉलिंग क्लेवर, वेरी क्लेवर इंडीड. ये बात कर रहा था ब्रेम भाई के मैं, देखें अभी शहजाद ने जैसे ही उन्हें सिक्स लगे हैं तो उन्होंने इतना अच्छा कमबैक किया अपनी टीम के लिए और इस बार वाइट बॉल होगी. देखिए जब आप किसी टॉप के प्लैटिनम कैटेगरी के बल्लेबाज का सामना कर रहे होते हैं तो आप प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते. क्रिकेट में चाहे टेप बॉल हो चाहे हार्ड बॉल हो, कोई भी फॉर्मेट हो, आप प्रिडिक्टेबल नहीं हो सकते. अगर आप एक ही लाइन एक ही लेंथ पर गेंद करेंगे तो आप गेंद करेंगे तो आप इनसाइड एज लगा है और जाएंगे वापस काशी. बिल्कुल ये बहुत ही बड़ा झटका है. काशी है सुगो. अली हसन फेस करेंगे शहजाद को. शहजाद आए अंपायर को क्रॉस किया गेंद की. ओ क्वालिटी शॉट, what a start this is from youngster. ek acha over sabit hua hai old katana ke liye bhi aur badar ke liye bhi kyunki kashi jaise batsman ko aur team katana ke liye ek acha prospect sabit ho sakte hain. faraz ka acha aghaaz. faraz ne aate saath hi pehli hi ball pe strike kiya hai. pehli hi ball achhi beat hue hain is ball pe atif. once again आएंगे फराज बॉल करेंगे. अगेन अच्छी बॉल, गोल्डन बॉल कर रहे हैं. असद नज़ीर साहब वालेकुम अस्सलाम. आप ऑफिशियल स्पॉन्सर हैं बीआरसीपी लीग के और आप फोटो प्लस यूके के. और एक और बड़ी स्ट्राइक फराज की. फराज ने इस बॉल पे आतिफ को आउट किया है. एज लगा और सीधी बॉल गई कीपर के हाथ में. दो बड़ी स्ट्राइक हो चुकी हैं. आए फराज फिर से और अच्छी लाइन पर गेंद. फोर कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स. फराज आज उनका बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं और जब विकेट में जान होती है फराज को खेलना आसान नहीं होता. जी बिल्कुल, फराज के पास अच्छी पेस है. अगेन बॉल करेंगे, सामना करेंगे इरफान. अच्छी बॉल, वेल बॉल शाबा बच्चे. पांच लगातार बॉल डॉट करा चुके हैं और इस मुकाबले में आपसे यही टोको की जा सकती है. अपने ओवर की लास्ट बॉल करने के लिए आएंगे फराज. आई अंपायर को क्रॉस किया गेंद की. इस बार गेंद फिजा में है. तैमूर जावेद टीजे अच्छे फील्डर हैं लेकिन देख ही सकेंगे क्योंकि जाएगी ये 6 रन्स के लिए. स्टेडियम का थैंक यू सो मच आपके अप्रिसिएशन के लिए. आपके जो ये अल्फाज हैं यही हमें इनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं. वंस अगेन आए हैदर शाह अंपायर को क्रॉस किया. स्लो डिलीवरी स्टंप और बोल्ड कर दिया. इनसाइड है जोन टू स्टंप्स और अंपायर के डिसीजन का वेट करना होगा. वो काम आएंगे. पीछे गेंद और इसे पुल किया हसन ने 2 रन के लिए. कुछ लोग हमसे पूछते थे कि आप बारिश के लिए इंतहा इजी होता. ऊपर गेंद थी लेग साइड की जानब खेला ऐसे मुर्तजा सोनू फील्ड करेंगे. या हाँ मैंने कह दिया ना, मेरी कमेंट नहीं सुन रहे आप.
की है। चौधरी असलम साहब, आपकी तारीफ जो है हमारे लिए मानी रखती है। आप जैसे सीनियर प्लेयर अगर हमारी तारीफ करें इतने लोगों के सामने, लाइव कवरेज के सामने, तो हमें इनक्रेजमेंट मिलेगी, हमें होप मिलेगी। वंस अगेन अली हैदर, क्या इंतजाम है? ये इंतहाई टफ कैच होगा, अगर ये कैच लेते हैं दैट वुड बी ए स्टनर। बट किसी भी लम्हे बैलेंस दिखाई नहीं दिए हैदर शाह इस बॉल के नीचे। अली हसन ने दो बार चांस मिल चुका है हसन को, और जब आपको इतने चांस मिले आपको का साथ किस्मत भी दे तो आपको परफॉर्म करना चाहिए। बिल्कुल किस्मत के घोड़े पर सवार हैं अली हसन। हैदर शाह वंस अगेन ओवर द विकेट और यार्कलन डिलीवरी अच्छी गेंद थी। सोहेल आबद फील करें, दो रन आसानी से कंप्लीट किए है। अली हसन इज फिट और रनिंग बिटवीन द विकेट्स काफ़ी अच्छी है। दो ओवर अहतमाम पजीर हो चुके हैं, हैदर शाह ने एक अच्छा ओवर दिया है। वाले दिन प्रिंटेड कवानीन और उन पर हर एक चीज़ वाज तौर पर मेंशन होगी, वो हवाले कर दिए जाएंगे इन कैप्टन के। दो रन आसानी से कम्प्लीट किया, तीसरा रन लेना चाहते हैं, रन आउट होने का चांस और रन आउट हो जाएंगे। इरफान हैज़ टू गो, इतनी क्लोज रनिंग की थी और यहाँ पे आउट हुए हैं और अपनी गलती से आउट हुए हैं। यहाँ पे तीसरा रन लेना बनता नहीं था उनका, क्योंकि बॉल हसन के हाथ में थी। रन आउट हुए हैं या फिर अपने आप को कुर्बान किया है, देखना होगा। नासिर, मास्टर नासिर वंस अगेन नीचे से आएंगे पर अराउंड द स्टंप्स आएंगे। फराज, आए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की और इससे खेला स्टाइलिशली फॉर सिक्स रन्स। अली हसन एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है और हार्ड बॉल में मैंने इनकी गेम देखी है, ही कैन प्ले। टेम्परामेंट इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लंबी इनिंग्स खेलने का टेम्परामेंट रखते हैं, और आज भी अपनी टीम के लिए एक अच्छी इनिंग खेल रहे हैं। बॉलिंग एंड चेंज करेंगे फराज, ओवर द विकेट आए दिस टाइम अराउंड, यार के करने की कोशिश, वाइड बॉल। फराज वंस अगेन आएंगे, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल करेंगे, सामना करेंगे हसन। इस बार पीछे बॉल थी, ये पिच की वेरिएशन थी या फराज की वेरिएशन होगी? बच्चे बहुत अच्छे, इशारा तो कर रहे हैं हाथ से कि मैंने वेरिएशन ट्राई की है, लेकिन जैसा भी था अच्छा रहे। फराज वंस अगेन बॉल करेंगे, इस बार अच्छी बॉल बीट हुए हसन। जोहेब अली आपको स्कोर्स बताते हैं, आज अवेलेबल नहीं है क्या जोहेब? और इस बार खेला है गेंद फिजा में, फील्डर है बॉल के नीचे इमरान अख्तर, और क्या ड्रॉप करेंगे और ये जाएगी चार रन के लिए। एक मेजर डिफरेंस जो भटाड़ की टीम में नज़र आ रहा है कल और आज के मैच में, कल इनकी जो फील्डिंग थी वो कदरे बेहतर थी। जी, कल तो उन्होंने बहुत ही अच्छी फील्डिंग की है, लेकिन आज उनकी फील्डिंग में कुछ कमी नज़र आ रही है। ये शकील शाह का मैच ही है और लेग साइड की जानिब खेला उसे सिक्स रन्स के लिए। अली हसन आज उमदा बल्लेबाजी का मुजाहरा कर रहे हैं। नासिर महमूद पहली बार आपको स्ट्राइक पर दिखाई देंगे इस मैच में। अब बोलना आपको आपका साथ देंगे जी, अभी मेरी जगह आपका साथ देंगे एहसन अफाक और इब्राहिम हनीफ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ एहसन अफाक। अच्छी शॉट पहली गेंद पे, बॉल जाएगी छः रन के लिए। इस मैच की पहली बॉल फेस किया और पहली बॉल पे खेल दिया छः रन के लिए मास्टर नासिर। बिल्कुल अच्छा आगाज़ है एहसन। नासिर महमूद जब से उन्होंने अपनी बैटिंग पोजीशन मिडिल ऑर्डर में रखी है तब से इंतहाई अच्छी फॉर्म में है। डोंट यू थिंक कि उमर डोडी उनको भी ये टैक्टिक ट्राई करना चाहिए? इनसाइड है जुई और दो रन लेना चाहते हैं। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट्स, मिस फील्ड हुई वंस अगेन।
टाइम जाया ना करो कैन फिजा में है और सेव रखें। दैट इज पुअर फ्रॉम मुर्तजा सोनू, दैट इज रियली पुअर। अच्छे फील्डर हैं यूजुअली मुर्तजा सोनू, लेकिन इस बार वेट किया गेंद के गिरने का, कैच की ट्राई भी नहीं की और गिरने के बाद जंप ले गई। लकी रहेंगे नासिर महमूद। नासिर महमूद आखिरी दो ओवर्स में आते हैं हर मैच में और अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, अपनी टीम के लिए अच्छा फिनिश करते हैं जो अपनी टीम के लिए आखिरी दो ओवर में 40 से तकरीबन इतने रन जोड़ते हैं अपनी टीम के लिए। वंस अगेन आए हैदर शाह, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की फुल टॉस एंड क्वालिटी हिटिंग फ्रॉम नासिर महमूद फॉर 6 रन्स। जी हां, फुल टॉस बॉल की थी और फुल टॉस बॉल बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। मास्टर नासिर बड़ी अच्छी फॉर्म में है, पूरे टूर्नामेंट में बड़ी उमदा बल्लेबाजी किया और फुल टॉस बॉल थी और बड़ी उमदगी से इस बॉल को खेला मैदान के ऊपर से 6 रन के लिए। बल्ला पिच करो सरकार। ये चीज़ जब आपको ऐसी लूज डिलीवरी मिलती है तो आपको यूटिलाइज करना चाहिए उसे। वंस अगेन हैदर शाह आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड बॉल थी उसे खेला नासिर महमूद ने। शकील फील करेंगे 1 रन। हसन अच्छे एमर्जिंग प्लेयर आए हैं टीम ओल्ड खटाना की जानिब से, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, आज भी 3 छक्के लगा चुके हैं अभी तक। बैटिंग ये कर रहे हैं, नेक्स्ट सीजन में बीआरसीपी लीग के नेक्स्ट सीजन में ये इमर्जिंग से जाएंगे गोल्ड की जाने। और गुड कहने ही लगे थे, तारीफ जुबान पर आते आते रह गई। अच्छी एफर्ट थी लेकिन एट द एंड कलेक्ट नहीं कर पाए। हसन कैच ड्रॉप्ड। जी बिल्कुल, इस तरह के मैचेस में आपको ऐसे देखिए लेग अंपायर के पास स्कोरर का होना ये सेंस नहीं दिखाता। अच्छी शॉट के लिए इस इसना में नासिर महमूद ने 6 रन के लिए तीसरा छक्का इस इनिंग का नासिर महमूद के बल्ले से। ओवर द विकेट आएंगे मुर्तजा सोनू, वंस अगेन आए अंपायर को क्रॉस किया और फिर से खेला ऐसे, कैच ड्रॉप्ड। दैट इज ए सिटर, अनबिलीवेबल। क्या कहना चाहेंगे इस पर ऐसे? ये कैच आपको 3-4 छक्कों का नुकसान कर सकता है क्योंकि जिस फॉर्म में मास्टर नासिर दिखाई दे रहे हैं वो आपको इस ओवर में 3-4 छक्के लगा देंगे। एग्जैक्टली ये पता नहीं कि नेक्स्ट बॉल्स पर क्या होगा लेकिन ये बहुत बारिश साबित हो सकता है। फुल टॉस एज हुई, डिप हुई गेंद और नो प्रॉपर कनेक्शन। नासिर महमूद अच्छी फॉर्म है लेकिन लास्ट 2 डिलीवरीज को यूटिलाइज नहीं कर पाए, दोनों ही फुल टॉसेस थी। फिर से आए सोनू, अंपायर को क्रॉस किया, पीछे गेंद एंड दैट इज टॉप शॉट। इस दफा पीछे बॉल की थी लेकिन पिक किया, अच्छी शॉट खेली। आए अंपायर को क्रॉस किया, इस दफा फिर से गेंद हवा में, बॉल जाएगी 2 रन के लिए। अच्छी बॉलिंग मुर्तजा सोनू की जानिब से, ऑफ साइड से बाहर रहना चाहते थे मुर्तजा सोनू और हिटिंग जोन अवॉइड करना चाहते थे नासिर महमूद का और कामयाब रहे इसमें। 2 रन से खुश होंगे फिलहाल तक। ओवर द विकेट आएंगे मुर्तजा सोनू, वंस अगेन आए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की, ओह दैट इज क्लासी स्ट्रोक। यही बात जब हैदर से हम डिस्कस कर रहे थे कि लास्ट 2 ओवर्स में आते हैं मास्टर नासिर और मास्टर ब्लास्टर ही बनते हैं फिर। बिल्कुल 2 शकील आई अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की, ओ गुड डिलीवरी, बॉल बचे, पहली बॉल पे स्ट्राइक पर गेंद करते हैं तो उनकी गेंद हल्की सी अंदर की तरफ आती है, लेफ्ट आर्म एंगल के साथ उनकी गेंद आती है अंदर की तरफ और जब ये ऊपर गेंदें करते हैं तो काफ़ी डेंजरस होते हैं, स्ट्राइक करते हैं यूजली पहले ही ओवर में। और इस बार गेंद फिजा में है और जोहेब करेंगे मिस फील्ड, वेरी पुअर फ्रॉम जोहेब, 4 रन के लिए जाएगी। फील्ड आपको अच्छी करनी चाहिए, अगर आपको अच्छी टीम के खिलाफ ये टारगेट डिफेंड करना है तो फील्डिंग आप मस्ट है जो है आपको अच्छा करना होगी अगर ये मैच विन करना है, क्योंकि ज़्यादातर मैचेस जो हैं फील्डिंग के सार पे जीते जाते हैं। बिल्कुल, जो नॉकआउट मैचेस होते हैं उनमें प्रेशर होता है और
अगर आप मिस फील्ड करेंगे तो आपके बॉलर्स मज़ीद दबाव में आ जाएंगे। फील्ड चेंज किया, शामून को ऑफ साइड से निकाल कर शामून पे सर जाएंगे लेग साइड की जानिब। वंस अगेन सोहेल आई एम पर क्रॉस किया गेंद की और इस बार खेला ऐसे सिक्स रन के लिए। गुड शॉट फ्रॉम शकील, आगे बॉल की थी यार्कर लेंथ थी गालबन और बड़ी उम्मीद से इस बॉल को खेला है लॉन्ग ऑन के ऊपर से छः रन के लिए। अच्छा छक्का शकील के बल्ले से, इस लेंथ पे शकील आमतौर पर बॉल नहीं छोड़ते। वंस अगेन आई सोहेल अंपायर को क्रॉस किया गेंद की स्लो डिलीवरी, दैट इज क्लेवर फ्रॉम सोहेल। एक्सपीरियंस के साथ ये चीज़ आती है आप में। बिल्कुल अच्छा कम बैक किया, ओवर पिच की थी उसको खेला सीधे बल्ले से, लेकिन उसके बाद अच्छा कम बैक किया, स्लोर वन की रिसीव करने में कामयाब हुए शकील को। वंस अगेन आए सोहेल अंपायर को क्रॉस किया, फुल टॉस एंड ही हैज प्लेड इट फॉर सिक्स रन्स। वंस अगेन इस दफ़ा फुल टॉस की थी और इसको बड़ी उम्मीदी से खेला स्केयर लैग की जानब छः रन के लिए। फुल टॉस तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे शकील। हारा 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 साल है थोड़ा। बिल्कुल मिर्ज़ा गुलक साहब, नासर इज एन एक्सेलेंट प्लेयर। वंस अगेन सोहेल आए, ऊपर गेंद बोल्ड कर दिया, दैट वाज हुसैन। अगेन सोहेल आए, ऊपर गेंद बोल्ड कर दिया, दैट वाज हुसैन। ये कह रहे थे हम कि पहले ही ओवर में स्ट्राइक करते हैं और अपनी रवायत को बरकरार रखा सोहेल ने। इस ओवर से पहले ही मैंने आपको बताया था सोहेल अपनी टीम के लिए हर मैच में बिल्कुल जोहे भाई हैं, यंगस्टर अच्छी पेस के साथ बॉलिंग करते हैं थ्रू आउट सीजन, बड़ी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा। आज बड़ा मैच है, बड़ी जिम्मेदारी। वंस अगेन आए ज़ुहेब अंपायर को क्रॉस किया गेंद की स्लो डिलीवरी, दैट इज अ गुड स्टार्ट फ्रॉम ज़ुहेब। आवाज़ ही स्लो डिलीवरी से किया, रिसीव किया हैदर शाह को। हैदर शाह को मैंने देखा, आप जितनी भी पेस के साथ बॉल करेंगे वो अच्छा खेलते हैं पेस को, लेकिन स्लोर वन पे जब वो फंसते हैं काफ़ी। हैदर शाह देखें, वो कहते हैं कि जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वही आपकी वीकनेस भी होती है समटाइम्स। हैदर शाह की जो स्ट्रेंथ है वो जब आप ऊपर गहने करते हैं तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाते हैं, और यही चीज़ उनके लिए जहर कातल भी कई बार साबित हुई है। इस बार अच्छी शॉट, सिकंदर फील्ड करेंगे, अच्छी फील्डिंग, एक रन दो रन लेना चाहते हैं और आसानी से कंप्लीट करेंगे। अच्छी रनिंग हैदर शाह और शानी कोडा के दरमियान, दोनों पे बड़ी जिम्मेदारी है। 92 रन का टारगेट चेज करना है और काफ़ी अच्छी बॉलिंग लाइनअप है टीम ओल्ड खटाना के पास। आउटस्टैंडिंग खेलना होगा दोनों बल्लेबाजों को अगर ये टारगेट चेज करना है तो। ज़ुहेब तीसरी गेंद अपने ओवर की करने के लिए आए कि ओवर द विकेट आए, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, ओ टॉप शॉट फॉर सिक्स रन्स, दैट इज क्लासिकल स्ट्रोक। ऊपर बॉल की थी और ऊपर वाली बॉल को नहीं छोड़ते हैदर शाह, बड़ी उम्मीद से इस बॉल को सीधे बल्ले से खेला इस दफा छः रन के लिए। आमतौर पर इस बॉल को फ्लिक करते हैं लेग साइड की जानब। देखिए जो बेहतरीन बात थी वो ये थी कि उन्होंने सीधे बल्ले से खेला, बिल्कुल फ्लिक तो किया लेकिन उसे सीधे बल्ले से। और इस बार गेंद पिच होने के बाद थोड़ी सी नीचे रही, ये चीज़ जब तक आप नहीं सीखेंगे तब तक आपकी बैटिंग जो है ना वो इम्प्रूव नहीं होगी। अगर आप एक ही शॉट पे वर्क करते रहते हैं लेग साइड की जानब जाते रहते हैं तो आप ऑफ साइड की अपना जो प्ले है आपका ऑफ साइड का उसको आप छोड़ देते हैं। रिजवान प्रीडोमिनेटली वो लेग साइड प्लेयर हैं, ज़्यादातर लेग साइड की तरफ खेलते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ऑफ साइड पर भी वर्क करना शुरू किया हुआ है। अगर वो ऑफ साइड की तरफ नहीं खेलेंगे तो वो बिल्कुल फ्लॉप हो जाएंगे। अब फोर रन के लिए गई ये शॉट, इस नाम है क्रिकेट में आपको ग्राउंड के चारों तरफ शॉट आना चाहिए फिर ही आप जो है एक प्रॉपर प्लेयर बन सकते हैं। 360 डिग्री प्लेयर होना आसान नहीं है, लेकिन आपका जो हिटिंग जोन है वो आपका एक्सपेंड करना चाहिए आपको, और अगर आप ग्राउंड के चारों तरफ खेल सकते हैं तो बॉलर्स को थिंक करना होगा बहुत ज़्यादा। आए ज़ुहेब और इस बार गेंद फिजा में है, अली हसन अच्छे फील्डर हैं, खेलने की ट्राई करेंगे और अच्छा क्या, और इस बार गेंद फिजा में है, अली हसन अच्छे फील्डर हैं, खेलने की ट्राई करेंगे और अच्छा क्या। दैट इज द ब्रिलियंट कैच फ्रॉम हसन अली, और अली हसन वी शुड से अच्छा क्या लिया, काफ़ी देर बॉल हवा में रही लेकिन बॉल के नीचे बॉल पे नज़र चिमाई रखे और अच्छा जांच किया और अच्छा क्या लिया अली हसन ने। पहले बैटिंग में अच्छी कारकर्दगी दिखाई और अभी फील्डिंग में भी एक बड़ी विकेट हासिल करने में कामयाब। देखिए एक चीज़ जो मैं नोट करना चाहूँगा, क्विकली रिएक्ट किया
और नासिर एक बार फिर से एक मिस्टेक करने जा रहे थे जो अच्छे हुआ कि उन्होंने नहीं किए। सिक्स रन के लिए खेला शानी कोडा ने। नोटिफिकेशन मैसेज इसके बंद करो। अच्छी शॉट पहली बॉल पे शानी कोडा, हैदर शाह और शकील के आउट होने के बाद बड़ी जिम्मेदारी है शानी कोडा पे। दूसरा बॉल और इस दफ़ा अच्छा बॉल, स्लोर वन किया, अच्छा कम बैक मास्टर नासिर की जानब से। दैट इज़ रेयर, दैट इज़ रेयर। नासिर बहुत कम स्लो डिलीवरीज करते हैं और छक्का खाने के बाद स्लो डिलीवरी करना और वो भी एक अच्छी लाइन पर, दैट इज़ इनक्रेजिंग साइन फॉर नासिर महमूद एंड टीम ओल्ड खटाना। और इसी वजह से वो नंबर वन रैंकिंग पे मौजूद हैं बॉलिंग में। व्हाट अ शॉट दैट वाज, ओनली फॉर टू रन्स। अच्छी शॉट खेली थी इस दफ़ा शानी ने लेकिन प्रॉपर कनेक्शन नहीं हासिल कर पाए, टू रन्स हासिल किए। और अब आपका साथ देंगे थोड़े से वक्त के लिए अली हैदर, ज्वाइन करेंगे एहसन आफाक को। आई विल ज्वाइन यू गाइस लेटर। नासिर चौथा गेंद करेंगे शानी कोडा को, हाई अंपायर को क्रॉस किया, ओ अच्छा बॉल, ब्रिलियंट बॉल फ्रॉम मास्टर नासिर, शार्कर लेंथ बॉल की, बिल्कुल भी समझने में ना काम शानी कोडा, अच्छी बॉल। खुद में ना कोऑर्डिनेट करते हैं दोनों को, दोनों इकट्ठा बनाना जो कोऑर्डिनेट करना है, ठीक है, टीम बना। अच्छा कमबैक, पहली गेंद पे छक्का खाने के बाद मास्टर नासिर की जन्म से अच्छा ओवर कर रहे हैं। पांचवा गेंद करेंगे, आई अंपायर को क्रॉस किया और फिर से स्लोर वन, दिस इज क्लेवर बॉलिंग फ्रॉम मास्टर नासिर। इसी टाइम पे मास्टर नासिर को अच्छी बॉलिंग करनी चाहिए थी और वही बात के पहली बॉल पे छक्का खाने के बाद इतना अच्छा कमबैक, वो भी शानी कोडा जैसे बैट्समैन के होते हुए। जी हाँ बिल्कुल, सीनियर बॉलर हैं और अपना एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हैं मास्टर नासिर। शानी कोडा लास्ट गेंद स्ट्राइक करेंगे और फिर से अच्छा बॉल और रन आउट होने के चांस है, फिजान जोनी और आउट हो जाएंगे। ब्रिलियंट ओवर फ्रॉम मास्टर नासिर, पहली गेंद पे छक्का जरूर आया था लेकिन उसके बाद बड़ा उमदा कमबैक अपनी टीम के लिए, एक मैच विनिंग ओवर साबित हो सकता है ये। बिल्कुल जो है पहली बॉल के लिए जाएंगे, बॉल करेंगे, सामना करेंगे शहजाद, अच्छी बॉल अपील की थी लेकिन एम्पायर का कोई रिएक्शन नहीं है इस पर। पहली बॉल अच्छी बॉल, अच्छा स्टार्ट लिया है अपने दूसरे ओवर का। जी हाँ अच्छा स्टार्ट, जैब की जाने से गुड लेंथ पे बॉल की थी और अच्छी बॉल, अच्छी पेस जनरेट कर गया ये विकेट और जोहेब तो काफ़ी क्विक हैं। दूसरा गेंद जोहेब स्ट्राइक करेंगे शहजाद, आई एम्पायर को क्रॉस किया, अच्छा ओवर पिच बॉल था लेकिन फेस इतना काफ़ी था कि हिट को अवॉइड किया जोहेब ने। और अब स्ट्राइक पे आए हैं शानी कोडा, शानी कोडा ने बिल्कुल पिछले सीज़न में ऐसे काफ़ी मैचेस जितवाए हैं टीम डार को, इस सीज़न में हासा नुमाया कारकर्दगी दिखाने में नाकाम, आज दिखा पाएंगे, बड़ा मैच है। जोहेब वंस अगेन आएंगे, बॉल करेंगे, सामना करेंगे शानी कोडा और इसको खेला है, बॉल हवा में है, आती बॉल के नीचे लेकिन कैच नहीं ले पाए और जाएगी बॉल चार रन के लिए। जी हाँ ये कैच हो सकता था, आतिफ अगर थोड़ा सा एफर्ट करते तो ये कैच बिल्कुल ले सकते थे। शानी कोडा का कैच काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है टीम ओल्ड खटाने के लिए क्योंकि क्रिकेट है कुछ भी नहीं कहा जा सकता, एक ओवर अगर आप बड़ा लगा लेते हैं तो मैच जो है वो एक ही ओवर में चेंज हो सकता है, क्रिकेट है एक ओवर में गेम चेंज होते ही देखे हमने। जी बिल्कुल एहसन भाई ऐसी बात है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, शानी कोडा जैसे बैट्समैन का कैच ड्रॉप करना आगे जाके मुश्किल कर सकता है उल्कटाना के लिए। जोहेब वंस अगेन आएंगे, बॉल करेंगे, सामना करेंगे शानी कोडा, अच्छी बॉल, बेहतरीन बॉल जोहेब की जानब से, ओवर पिच की थी उसको, अच्छा खेला शानी कोडा ने, उसके बाद फिर से गुड लेंथ पे आए और डॉट करने में कामयाब, अच्छी पेस के साथ बॉलिंग कर रहे हैं जोहेब, दिमाग के साथ मैच विनिंग ओवर साबित हो सकता है। तीन ओवर्स में 56 रन चाहिए था, अभी तक सिर्फ 4 रन दिए हैं चार गेंदों में। सही कर जा गौर अली, जो है वंस अगेन आएंगे,
एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल करेंगे सामना करेंगे शानी कोडा, इसे लेग साइड की तरफ खेला, बॉल हवा में है, सोहेल बॉल के नीचे और एक अच्छा कैच लेंगे, इस दफा कैच पकड़ेंगे सोहेल, फुल टॉस बॉल थी, इसको कनेक्शन नहीं हासिल कर पाए शानी कोडा, अच्छी पेस के साथ बॉल थी सोहेब की और बिग विकेट हासिल किया सोहेब ने, अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा सोहेब की जानिब से, इससे पहले भी अच्छा ओवर किया था इस्मत भाभी, जब तीन ओवर में 56 रन चाहिए थे टीम उडाड़ को, तो अपनी पांच गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 5 रन दिए और शानी कोडा का विकेट हासिल किया है, आखिरी गेंद अच्छा फिनिश कर पाएंगे देखना पड़ेगा, मुर्तजा सोनू भी कैपेबल बल्लेबाज हैं, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं ये, हियर वी गो आए सोहेब अंपायर को क्रॉस किया, ओ अच्छी शॉट, ओवर पिच पाल की थी और बड़े उम्दगी से इस बॉल को खेला लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन के लिए मुर्तजा सोनू, आते ही पहले अगर मुर्तजा सोनू को आप आगे बॉल करेंगे तो वो डिफेंडेबल टारगेट तो नहीं था, लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा किए मैच को डिफेंड कर लिया था, लेकिन एक्स्ट्रा रन की वजह से वो मैच लूज किए हैं, जी हाँ बिल्कुल यार ये की है ग्यारह गेंदों पे 43 रन चाहिए टीम बडाड को, बड़ी जिम्मेदारी है शहजाद और मुर्तजा सोनू पे, आए अंपायर को क्रॉस किया, ओ सीधे बल्ले से खेला गेंद हवा में जोहेब और अच्छा क्या है जोहेब की जानब से, मैच विनिंग परफॉर्मेंस मास्टर नासर की जानब से, पहले बल्लेबाजी में उमदा बल्लेबाजी की, आखिरी दो ओवर में आके 36 रन किए थे और इस दफ़ा बॉलिंग में भी पहला ओवर बेहतरीन किया, दूसरे ओवर में भी अभी तक अच्छी बॉलिंग शहजाद की विकेट हासिल की है, आएंगे एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल करेंगे सामना करेंगे फ्रास और बोल्ड कर दिया इनसाइड एज लगा और बॉल जाके स्टंप्स को लगाए, मिडल स्टंप को बीट किया बॉल ने, ब्रिलियंट बॉलिंग फ्रॉम मास्टर नासर, दो गेंदों पे दो कंसेक्यूटिव विकेट हासिल करने में कामयाब और यकीनन अपनी टीम के लिए मैच विनिंग ओवर करते हुए मास्टर नासर, बैटिंग में भी उमदा का अपना अहम किरदार अदा किया था और बॉलिंग में भी अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं, हसन नए आने वाले बैट्समैन हैं एक्सपीरियंस बैट्समैन, मास्टर नासर वंस अगेन आएंगे बॉल करेंगे सामना करेंगे हसन, ऑफ साइड की तरफ खेला है इस बॉल को, सिकंदर फील्ड करेंगे और दो रन आए हैं इस बॉल पे, दो रन हासिल किए, ओवर थ्रो किया है सिकंदर ने, तीन एक रन एक्स्ट्रा मिलेगा ओवर थ्रो की सूरत में, दैट इज पुअर, मुर्तजा स्ट्राइक करेंगे मास्टर नासर को, अपनी पहली बॉल पे छक्का लगाया था पिछले ओवर में जोहेब को, आए अंपायर को क्रॉस किया और ब्रिलियंट बॉल, ब्रिलियंट बॉलिंग, दैट इज एक्सीलेंट पीस ऑफ बॉलिंग फ्रॉम मास्टर नासर, ब्रिलियंट बॉलिंग मास्टर नासर की जानिब से, लास्ट गेंद बाकी, हसन स्ट्राइक करेंगे लास्ट गेंद पे मास्टर नासर को, मास्टर नासर लास्ट बॉल करेंगे अपने ओवर की, अपने रन अप से दौरे आएंगे, एम्पायर को क्रॉस किया, बॉल करेंगे सामना करेंगे हसन, फुल टॉस बॉल थी और इस बॉल पे आएंगे 4 रन के लिए जाएगी ये बॉल, काफी मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है क्रिकेट में, आतिश पहली बॉल करेंगे और पहली बॉल पे छक्का आ चुका है, एक छक्का आ चुका है, पांच गेंदों पे 5 छक्के दरकार, कोई गाल नहीं 4 छक्के 1 चौका लगाते हैं तो मैच टाई हो जाएगा, काफी मुश्किल जॉब है, अभी 5 छक्के अभी भी बाकी हैं, आती वंस अगेन आएंगे बॉल करेंगे सामना करेंगे मुर्तजा सोनू और व्हाट अ शॉट, दो लगातार छक्के लगा चुके हैं मुर्तजा सोनू, सोनू ने खतरे की घंटी बजा दी है जी टीम ओल्ड खटाना के लिए, दो गेंदों पे 2 छक्के लगा दिए हैं और 4 गेंदों पे 23 रन चाहिए अभी, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की वाइड बॉल, आतिफ इज अंडर प्रेशर, इब्राहिम भाई आपको क्या लगता है कि सोनू लगा सकेंगे 4 6 लगाने उनको, देखिए आतिफ इज ए क्लेवर ऑपरेटर, उन्हें 4 छक्के लगाना आसान नहीं होगा लेकिन यस सोनू के पास एबिलिटी है, आया आतिफ
Oh, good delivery. That is unplayable right in the block call. इस बार गलती की थी सोनू ने, आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ गए हैं और वाइट समझ के छोड़ना चाहते थे लेकिन गलत डायरेक्शन में गए और बीट हुए। Well, गलती नहीं थी, ये गेंद ही मेरे ख्याल में तो आप थोड़ा सा हार्श जा रहे हैं, बहुत ही ब्रिलियंट बॉलिंग कर रहे हैं और इसके साथ ही मुकाबला जीत लिया है टीम ओल्ड खटाना ने। ओल्ड खटाना हैज इमर्ज्ड एज द विनर ऑफ दिस मैच एंड वंस अगेन और इस टूर्नामेंट में भी अगेन खटाना वर्सेस आड़ा, खटाना बमुकाबला आड़ा फाइनल होगा और कल फाइनल खेला जाएगा खटाना सुपर नॉकआउट टूर्नामेंट का। एंड हम उम्मीद करते हैं कि ये एक तगड़ा मुकाबला होगा, एक कांटेदार मुकाबला होगा और कल हमें ज्वाइन कीजिएगा, हमारी कवरेज को ज्वाइन कीजिएगा, आप यकीनी तौर पर लुत्फानंदोज़ होंगे कांटेदार मुकाबलों से। हमें दीजिए इजाज़त, बोड़िया रीजनल क्रिकेट पेज और थ्री ब्रोज मीडिया के जॉइंट वेंचर है ये, हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, फी इमान अल्लाह।